parts of plant and lesson 7 mein third part hai. So in this part we read about flowers and fruits, seeds and germination of seed. So let's start. Flowers and fruits. We see different type of flowers around us. Flowers have different color, shape and smell. Some flowers have a sweet smell. अब हम अपने चारों तरफ बहुत सी तरह के फ्लावर्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट स्मेल होती है बहुत से फ्लावर की. सभी फ्लावर की मोस्टली डिफरेंट डिफरेंट स्मेल होती है और कुछ 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 फ्लावर्स की जो स्मेल होती है बहुत ही स्वीट होती है, बहुत अच्छी लगती है ना. सो फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम बड्स ऑन द स्टेम. अब ये फ्लावर्स कहाँ से उगते हैं? ये बड्स के थ्रू उगते हैं, बड्स से उगते हैं और स्टेम में उगते हैं. मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स. और बहुत से फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर के बाद में वो फ्रूट में चेंज होते हैं, फ्रूट बन जाते हैं. अ बड ग्रोज ऑन द स्टेम और ब्रांचेस. जो बड होती है वो कहाँ उगती है? स्टेम में या ब्रांचेस में उगती है. एंड द बड टर्न्स इनटू अ फ्लावर. और वही बड जो होती है वो फ्लावर में चेंज हो जाती है. फ्लावर फेड्स अवे एंड स्मेल ग्रीन फ्रूट कम्स आउट. जब फ्लावर जब फेट हो जाता है तब वो क्या होता है, स्मॉल ग्रीन ग्रीन फ्रूट उसमें उग जाता है. मोस्टली वो ग्रीन कलर में ही होता है और धीरे धीरे वो जब बड़ा होता है, फ्रूट ग्रोज बिगर एंड राइप, वो बड़ा होता है और पक जाता है. तो फ्रूट्स क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है और पकता है. फिर फ्रूट ग्रोज बिगर एंड राइप्स. देखिए यहाँ पर पहले बड है, ब्रांच में बड लगी और फिर उसके बाद बड में से फ्लावर बना एंड फ्लावर में से धीरे धीरे छोटा सा स्मॉल ग्रीन कलर का फ्रूट उगा और वही फ्रूट बड़ा होकर पक गया जब वो पूरा फ्रूट बन गया. नाउ सीड्स. मोस्ट ऑफ द फ्रूट हैव सीड्स. सम फ्रूट्स हैव वन सीड, सम फ्रूट्स हैव मोर देन वन सीड. सीड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज. सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. अब जो मोस्ट जो फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड्स होती हैं. अब कुछ फ्रूट जो होते हैं उनमें ओनली वन सीड होती है, कुछ में बहुत सारी सीड्स होती है और डिफरेंट कलर और साइज की होती है सीड्स भी. लाइक देखिए आप यहाँ पर दिख रहे हैं ना, पपाया, एप्रिकॉट, पोमोग्रेनेट, तो सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीड्स है ना, और इसमें बहुत सारी है और उसमें एक ही सीड थी. वी ऑल्सो ईट सम सीड्स लाइक वीट, चिक पीस एंड किडनी बीन्स. अब हम अभी इसमें से कुछ सीड्स खाते भी हैं, लाइक ये जो वीट है, चिक पीस है या किडनी बीन्स है, ये इनको हम खाते भी हैं एज अ फूड. अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट. नाउ दिस इज द टॉपिक जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसे होता है वो देखते हैं. अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट. A seed needs soil, water, air and sunlight to grow into a new plant. The process of growth of a new plant from a seed is called germination. तो ये जो seed होती है उसके अंदर एक छोटा सा baby plant होता है और seed को grow करने के लिए, germinate होने के लिए soil, water, air और sunlight की need होती है, तभी वो न्यू प्लांट में ग्रो होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यू कैन सी हियर, देखिए ये सीड थी ना, उसमें से धीरे धीरे से ये बेबी प्लांट जर्मिनेट हो गया धीरे धीरे से जब उसको एयर, वाटर और सनलाइट मिली. तो नाउ यू कैन सी अगेन, आप फिर से देख सकते हो. देखो इसमें ये सीड है ना, सीड में वाटर पड़ा, सॉइल में थी सीड और उसमें वाटर डाला और एयर मिली उसको और सनलाइट मिली तो वो ग्रो करने लगा, धीरे धीरे जर्मिनेट होने लगा. देखिए इन सब चीजों की नीड रहती है, एयर, वाटर एंड सनलाइट, तीनों चीजों की नीड होती है उसको जर्मिनेट होने के लिए. तो इस तरह से ये सीड जर्मिनेट होती है. तो आप
इस वीडियो में क्या पढ़ा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. आप जो तरह तरह के फ्लावर्स देखते हैं, हर एक का अलग अलग कलर होता है, स्मेल भी अलग अलग होती है, उनके बारे में रीड किया. एंड अबाउट फ्रूट कि बहुत तरह से फ्रूट्स होते हैं, कुछ में बहुत सारे मेनी सीड्स होते हैं, सम हैव ओनली वन सीड, तो वो भी सीड सभी आपने रीड किया. एंड अबाउट सीड्स की सीड्स बहुत सी सीड्स ऐसी होती है जो हम खाते भी हैं, लाइक वीट है, ये सब हम खाते भी हैं. एंड अबाउट जर्मिनेशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसा होता है वो भी आपने जाना है. सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा. सो गुड डे एवरीवन.